ये मंडल डिस्ट्रिक्ट पुंछ में तकरीबन 50 किलोमीटर तहसील मैंडर में स्थित है। ग्राम आता है छजला मनकोट में। ये हज़ारों साल पुराना मंदिर है। इसकी मान्यता है कि यहाँ जब अज्ञात वास मिला था पांडवों को, तो उन्होंने बहुत सारे पानी के स्रोत खोजे थे, वो बनाए थे, और उसी में इन्होंने ये मंदिर का निर्माण किया था, जहाँ पर इस मंदिर में राम कुंड, लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड का निर्माण किया गया है। और यहाँ जो मंदिर बनाया गया है, इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। और इसकी मान्यता जो है, सैकड़ों सालों से यहाँ चैत्र चौदस वाले दिन मेला लगाया जाता है, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। और ये जो हमारे कुंड हैं, इसमें स्नान जो किया जाता है, ये गंगा स्नान के बराबर माना जाता है। और वो आस्था से लोग जो हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आते हैं। रजौरी, पूंछ हो गया, सुंदरबनी, जम्मू से लोग आते हैं बड़ी तादाद में। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमने यहाँ पर इस साल भी बड़ी धूमधाम से ये चैत्र चौदस का मेला मना रहे हैं। बाकी यहाँ पर ये ज़्यादा जो एरिया है, ये मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ हमारे महान श्री सीताराम जी हैं, वो यहाँ अकेले रहते हैं और उनका एक बटमैन है उनके साथ। लेकिन यहाँ पर हमारे जो मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनका काफ़ी सपोर्ट यहाँ पर रहता है। और ये तकरीबन ये सैकड़ों कनाल जो जगह है, तो ये यहाँ उन्हीं के सहारे पर यहाँ पर टिकी हुई है, और इनका काफ़ी योगदान रहता है। हमारे चाहे यज्ञ हों, जो भी यहाँ प्रोग्राम किया जाता है, ये लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले हमारे मेंडर के हिंदू भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आज रामकुंड मंदिर में जो है वो जो साल का जो मेला होता है वो आज शुरू है। और मैं आपको बताऊं, ये जो मेला है, ये जो हर साल मनाया जाता है, और इसमें बहुत सी दुनिया यहाँ पे आती है। लेकिन अगर इंतज़ाम की बात की जाए तो इंतज़ाम की बहुत बड़ी कमी है। अगर सड़क की बात की जाए तो सड़क भी जो है हमारी ठीक नहीं, लेकिन हम इसको जल्द से जल्द ठीक कराएंगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि इस मंदिर को जो है टूरिज़्म के साथ जोड़ा जाए, और साथ ही साथ हम इसको जो यात्रा है, और इसको अच्छे से हम इसका निज़ाम जो है बनाया जाए। बाकी एक बात है कि यहाँ मंदिर जहाँ पर है, ये ब्लॉक मनकोट है, और मैं यहीं से DDC हूँ, तो इस इलाके में जो मंदिर का इलाका है, ये 100% मुस्लिम आबादी है, और इस मंदिर की जो हिफाजत है वो यहाँ का मुसलमान करता है। मैं यही आज यही बात कहता हूँ कि हमें हिंदू मुसलमान भाईचारा अपना कायम रखना चाहिए, इसको और मज़बूत बनाना चाहिए। और मेरी यही दरख्वास्त है गवर्नमेंट से भी कि इसको टूरिज़्म के साथ जोड़ें, ताकि अगले साल जब यहाँ पे लोग मंदिर में आएँ, तो इससे भी बेहतर निज़ाम जो है हमें यहाँ पे मिले। तो मैं इसी पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आज रामकुंड तीर्थस्थान, ये बहुत प्राचीन ज़माने का तीर्थस्थान है। मैं यहाँ की जितनी बलादरी पुंछ रजौरी जम्मू से आए हुए लोगों का धन्यवाद करता हूँ, और यहाँ पर जो जितनी भी मीडिया हजरात आई, इनका भी धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे रामकुंड के अंदर कुछ बहुत सी कमियाँ हैं। मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, खास करके DC पुंछ, SDM मेंडर, तहसीलदार मेंडर और LG साहब से यह गुजारिश करूँगा कि इस इलाका जात को डेवलपमेंट किया जाए। जो आज ये यात्रा है, कम से कम 2000-4000 के लगभग है। आने वाले वक्त पर यहाँ लाखों की तादाद से यात्रा आए, बाहर से यात्रा आए, जम्मू से, जम्मू के बाहर बम्बे से, दिल्ली से, हर जगह से यात्रा आए। यहाँ पर ये कुंड हैं बने हुए, राम लक्ष्मण कुंड, हनुमान जी की यहाँ पर जो सिद्ध मूर्ति है, यहाँ के दर्शन करें, यहाँ पर आकर के अपने पापों का अंत करें। और ये जो ये हनुमान मंदिर है, ये पहाड़ों का स्वर्ग है। यहाँ प्रभु राम जी, लक्ष्मण जी ने साक्षात यहाँ पर जो है यात्रा की थी। मैं हिंदुस्तान, पूरे भारतवर्ष से ये प्रार्थना करूँगा कि आप आएँ इस तीर्थस्थान के अंदर, यहाँ पर दर्शन करें। हर वर्ष यहाँ पर मेला लगता है। मैं यहाँ के LG साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर जो है एक शेड की कमी है। हमारी रोड की बहुत बड़ी खस्ता हालत है, गाड़ी जो है मुन्ने की जो है वो व्यवस्था नहीं है। इतनी यात्रा आती है हमारे पास, 10,000 के लगभग आदमी आता है। मैं LG साहब से, यहाँ के DC साहब से ये प्रार्थना करूँगा कि आप फौरी तौर जो है यहाँ की जो रोड की व्यवस्था है, यहाँ की जो शेड की व्यवस्था है, इसको फौरी तौर दुरुस्त किया जाए,
ताकि हमारे समाज के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर जो है मिलजुल करके हम इसको मनाएं, और हमारी जो ऐतिहासिक ये प्राचीन जगह है, ये ऐतिहासिक जगह है, इनको हम परम्परित तरीके से मनाएं। जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चले, आप लोगों का शुक्रगुजार हैं कि आपके चैनल का शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने यहाँ आके हमारे लोगों की यहाँ हौसला अफजाई की चैनल की वजह से। हम सबसे पहले इस मंदिर की, क्योंकि ये हमारी परंपरा चली आ रही है कि इस मंदिर में हमारे हिंदू मुसलमान लोग एकता करके इस त्यौहार को मनाते हैं, लिहाजा हमारा फ़र्ज़ भी ये बनता है कि ये हमारे आबाई गाँव है, मेरा आबाई गाँव है ये छजला, जिसमें ये मंदिर कायम है। इसलिए हम सदियों, हमारे बुज़ुर्ग लोग भी इस मंदिर के लिए हर साल मेले में हिस्सा लेते रहे, हम भी हिस्सा लेते रहेंगे, लेते रहेंगे। हम चाहते हैं इस मंदिर में, इस मंदिर के नाम पर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी एक बनाई जाए जिसमें रजौरी पूंछ के लोग तालीम हासिल करें। यहाँ इस मंदिर का इतना बड़ा इलाका है जिससे, जिसके साथ यहाँ के हिंदू मुसलमान सब एकता करके अपने इलाके की डेवलपमेंट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस मंदिर के नाम पर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हो, एक बहुत बड़ी रोड हो, जिस रोड में यहाँ के लोग अपने यहाँ यात्रा जिस वक्त करते हैं तो अमरनाथ यात्रा जैसे होती है, यहाँ बिल्डिंगें बनी जाएं अमरनाथ यात्रा के लिए, यहाँ लोग रुके जाएं ताकि हमारे लोगों के इस इलाके की डेवलपमेंट हो। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़, थैंक यू। CBSE एफिलेटेड KLM इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट, पहली से 12वीं तक का दाखिला शुरू, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पैकेज का सुनहरी मौका। 9216504779 KLM इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट।